और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसराइल ईरान युद्ध से इस वक्त की जुड़ी सबसे बड़ी खबर कि इसराइल पर हिजबुल्ला का एक और बड़ा हमला। हिजबुल्ला ने इसराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। चंद मिनट पर इसराइल पर 90 रॉकेट से हमला किया गया है। कई रॉकेट को आयरन डोम ने हवा में मार गिराया। कई रॉकेट ने आयरन डोम को भेद कर तबाही मचाई है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि हिजबुल्ला भी शांत नहीं बैठा है। नसरल्ला चीफ जब मारा गया उसके बाद हिजबुल्ला ज्यादा रिटेलिएशन के मोड में आ चुका है और तबाही मचाते हुए हिजबुल्ला ने किस तरह से इसराइल पर अटैक किया, 90 रॉकेट धड़ाधड़ दागे गए। हालांकि डोम ने कई सारे रॉकेट को विफल किया, लेकिन डोम को भी रॉकेट ने आयरन डोम को भी उसको चकमा देकर कई जगह पर इसराइल में तबाही मचाई है। और उसकी एक तस्वीर आपके सामने है, आप देखिए कि किस तरह से हिजबुल्ला के अटैक के बाद इसराइल में तबाही की ये तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हैं। एक तरफ इसराइल जहां पर ये कहता है कि अभी तो ये शुरुआत है और जो भी आंख उठा के देखेगा हमारे ये ताकत का अंत नहीं है, तो वही हिजबुल्ला भी अपने ताकत का प्रदर्शन करते हुए ताबड़तोड़ हमले किए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बताते चले खबर आपको, जहां पर ईरान पर इसराइल किसी भी वक्त अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने फिर एक बार ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इसराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है और अगर हम पर हमला करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इसराइल सैक्रो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। देखिए रिपोर्ट। सात अक्टूबर 2024, एक साल का फासला मगर टेंशन जस की तस। इसराइल ने बीते एक साल में हमास से जंग शुरू की। युद्ध में हमास के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके कूदे, फिर हूती फाइटर हमास के लिए युद्ध में आए। एक साल से जारी युद्ध में अब ईरान भी उतर आया है, जिसके बाद युद्ध उसी मोड़ पर आ गया जहां नहीं आना था। इसराइल को ईरान सीधे युद्ध की जगह अपने लड़ाकों से परेशान किए हुए था, लेकिन अब जो देश की सेनाएं भिड़ने जा रही हैं, इसराइल ईरान के युद्ध में कौन कौन और होगा उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। यमन में दिखा तेहरान की तबाही का ट्रेलर। सुपर पावर ने 15 घंटे तक बरसाया बारूद। नेतन्याहू को परमिशन, ईरान में घुसकर मारो। यूएस सेंट्रल कमांड का यह मैसेज ईरान में हड़कंप मचा रहा है। इस ऐलान से सुपर पावर अमेरिका खाड़ी युद्ध में धमाकेदार अंदाज में उतरा है। अमेरिका ने ईरान के पालतू लड़ाके हूथियों के होश उड़ा दिए हैं। बेरूत लेबनान, सना यमन, दो वॉर जोन, एक जैसा बारूदी कोहराम। एक जगह इसराइल मार रहा है, दूसरी जगह अमेरिका और ब्रिटेन ने तहलका मचा रखा है। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके बेमौत मारे जा रहे हैं। यमन में हूथी लड़ाकों का कब्रिस्तान तैयार हो गया है। बड़ी बेरहमी से ईरान के सपोर्टर दोनों फाइटर ग्रुप कुचले जा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका ने जिस तरह हूथी विद्रोहियों की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे सभी खाड़ी मुल्क दहल उठे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जेटों ने यमन में हूथी फाइटर्स के 15 अड्डे बर्बाद कर डाले हैं। अमेरिका के तूफानी हमले में हूथी विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हूथी विद्रोहियों के बारूदी गोदाम, हाईटेक कमांड सेंटर और नेवल वेपन्स को जॉइंट स्ट्राइक में उड़ा दिया गया है। अमेरिका के जंगी जेट और वॉरशिप ने हूथी विद्रोहियों के होदेइदा में 2 हवाई अड्डे, 7 राउंड में बम और मिसाइल से हमला किया। काथिब आर्मी बेस, 4 राउंड में बमबारी की गई। यमन की राजधानी सना के सयान इलाके में 2 हमले, धमार इलाके में किया गया।
हुथी मीडिया की ओर से सना के दक्षिण पूर्व में बायदा सूबे में 3 हवाई हमलों की भी जानकारी दी गई। जब हुथी पर अमेरिका और ब्रिटेन बारूद बरसा रहे थे, उसी वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इजराइल को हिजबुल्लाह और ईरान पर पलटवार की फुल मंजूरी भी दे डाली।